अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको तीन प्रूफ करवाऊंगी जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में भी ये तीनों पार्ट आ सकते हैं लेकिन शॉर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो ये हैं कि शो दैट आर स्क्वेयर मल्टीपल के अंदर है, यानी कि ये मल्टीपल रिएक्शन के अंदर है। 1, 2.3 इज इक्वल टू बी 1, 2.3 क्रॉस बी 2, 1.3। यानी इनका फार्मूला भी आप लोग अगर जहन में रख लें तो बहुत ज़्यादा वो आसान हो जाएगा कि पहले 1.23 और उसके बाद 1, 2 को 2, 1 कर दिया। अच्छा खैर, अगर ये प्रूफ के लिए आएंगे तो आपको ये गिवन ही होंगे कि आपने इनको प्रूफ करना है, तो इनको प्रूफ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी है ना तो उसका आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा, मतलब उनके अंदर मैंने इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ इनको करवाया। अच्छा जी, तो अब ये जो रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स वन ऑन एक्स टू एंड एक्स थ्री फ्रॉम एक्स बार वन एक्स बार टू एक्स बार थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़। अब ये लाइन मैंने आपको प्रूव करके दिखाई थी कि किस तरह से आती है, मैं एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। अच्छा जी, ये था वो टॉपिक, ये था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ रिग्रेशन। अच्छा, ये वो टॉपिक है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताई थी इक्वेशन एक्स वन सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा वन और डब्ल्यू वन वन। मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर डब्ल्यू और डेल दोनों बराबर थे, ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी कर लिया। नहीं, अगर कहीं पर डब्ल्यू आ जाए तो उसका मतलब भी वही है और अगर डेल आ जाए उसका मतलब भी वही है। फार्मूलाज वगैरह सारे एक्सप्लेन किए थे, अगर वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख लें पहले, ताकि अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा जी, इसके अंदर डब्ल्यू वन था, अब यहाँ डब्ल्यू की जगह पर हम लोगों ने डेल वन लगा लिया, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, वही चीज़ है कि तो इस लाइन को यूज़ करते हुए हमने वो प्रूफ करना है। और अब पहला प्रूफ जो है वो हमारा वो है 1, 2 का, यानी इसके अंदर पहले 1 है नंबर, तो हमने इस इक्वेशन को पहले लिख लिया। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने यहाँ से एक्स वन वाली एक तरफ रख ली और दूसरी एक्स टू और एक्स थ्री वाली वैल्यू इसको इधर लिया, इधर आके माइनस में हो गई है, इक्वल के इस साइड पर आके माइनस में हो गई। उसके बाद इधर यहाँ पे सिग्मा डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ हम लोग ले आए तो यहाँ पे इधर ऊपर इनके साथ आ गया, यानी मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, अब हम लोगों ने क्या किया है, हमें पता है कि ये जो फार्मूला है यहाँ से लेके आए, जो पिछली वीडियो थी ना उसके अंदर मैंने ये चीज़ भी बताई थी जिसका मैंने रेफरेंस अभी आपको दिया है, उसके अंदर ये हमारे पास बी 1, 2, 1, 2.3 के इक्वल है, यानी इसके अंदर 1, 1 है और 1, 2 का ही लिंक है। और उसके बाद ये जो है हमारी मैंने 1, 3.2 जो है वो इसके इक्वल है। इस तरह से हमारी एक इक्वेशन बन गई। और असल में ना यहाँ पे एक तरह से वो पहले आपको सारी बी की वैल्यूज़ जो है ना वो सारी निकाल के बताएंगे कि किस तरह से निकालना है। जैसे अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है तो, अगर शॉर्ट में भी 3-4 नंबर का आ जाता है तो 3-4 नंबर लेने के लिए आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन तो करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो आपको 1 बाय 1 सारा बताना पड़ेगा, आप डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते कि अगर हम बी की ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं तो बी की वैल्यू वाई कहाँ से। पिछली वीडियो में जो मैंने बी के थ्री निकालने के तरीके बताए थे वो भी हैं, बल्कि वो भी इसी तरह ही है सेम, और ये वही तरीका। पहले हम लोगों ने बी को बताना है किस तरह से बी निकला है और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने उसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। अब यहाँ से हमारे पास बी 1, 2.3, हमने इसको जो है वो बी 1, 2.3 के इक्वल कह लिया और इसको हम लोगों ने कह लिया बी 1, 3.2। और मैंने आपको साथ कहा था कि आपको इनकी वैल्यूज़ याद भी होनी चाहिए, तो जब याद हो तो देख के पता चल जाता है कि इस बी के इक्वल है। यहाँ से इन दोनों बीज की वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाल ली। इसी तरह नाउ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स टू ऑन एक्स वन एंड एक्स थ्री, और अब हमने एक्स टू ऑन एक्स वन एंड एक्स थ्री, ये था 1 ऑन 2, 3, तो यहाँ पे पहले 1, 1 ही आया है हर एक में। अब ये है 2 ऑन 1, 3, तो यहाँ पे 2, 2 स्टार्टिंग में आ गया, यानी 2, 3 डेल के साथ यहाँ पर 2, 1, 2, 2, 2, 3 और यहाँ पे 1, 2, 1, 3 ऐसे ही आ गया। अब क्योंकि 2 के हवाले से बात हो रही है तो 1 वाली और 3 वाली दूसरी तरफ चली जाएंगी, और इसी तरह से ये सिग्मा जो है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आकर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास एक नई इक्वेशन ये बनेगी। यहाँ से हमारे पास बी एक बी की ये और दूसरे बी की वैल्यूज को ये निकली हैं। इसी तरह से हमारी जो रिग्रेशन के एक्स थ्री ऑन एक्स वन एंड एक्स टू हैं, इसी तरह से वो भी यहाँ पे हम लोगों ने जो है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये इक्वेशन लिख लेनी है। इसमें से भी हम लोगों ने, अब 3 की बात हो रही है तो 1 और 2 वाली दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये सिग्मा इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हमने इस बी के इक्वल, इसको हमने इस बी के बराबर कह लिया और ये दोनों बी की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई इस तरह से। अब जी नेक्स्ट जो हमने प्रूफ करना था वो था हमारा ये इस तरह से कि आज को है 1, 2.3, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर हमें ये दो बीज चाहिए थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना था, हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को सबसे पहले लिख दिया, यानी हमने राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देना। राइट हैंड साइड हम लोगों ने लिख ली
उनकी जगह पर उनके फार्मूलाज को लिखा। देन हमारा जो है ये सिग्मा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिग्मा वन इस सिग्मा वन से कैंसिल, और ये सिग्मा टू से कैंसिल हो गया, और इसी तरह हमारे पास ये डेल बच गई 1 2, और ये डेल 1 1, और ये डेल 2 1, और ये 2 2 जो है हमारे पास यहाँ पे बच गया। अब हमने यहाँ पे डेल की जगह पे उनकी वैल्यूज़ को लगा लिया, डेल 1 2 और 2 1 की आपको पता है वैल्यू सेम होती है, और वो ये है, तो ऊपर इसका स्क्वायर आ गया, और 1 1 की ये आ गई, और डेल 2 2 की वैल्यू ये वाली आ गई हमारे पास। B2 3 3 2 dot 1, B2 3 और 3 2 जो है इनको हम लोगों ने इस तरह से मल्टीप्लाई किया, सिग्मा टू सिग्मा टू सिग्मा थ्री ये इस तरह से कैंसिल हो गए। इसके बाद ये हमारे पास डेल्स जो है वो सारे से इकट्ठे कर लिए, 2 3 और 3 2 की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया 2 2 की जगह पे, और ये 3 3 की जगह पे उसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ गई। अब ये पूरी की पूरी जो हमारी R2 R² 2 3 dot 1 के इक्वल हो गई, ये हमारे पास सेकेंड प्रूफ हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो है ये थर्ड का भी प्रूफ आपके सामने है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, सिग्मास कैंसिल हो जाएंगे, सारे डेल्स आ जाएंगे आप लोगों ने इसके अंदर काउंटिंग का, मतलब 1 2 1 3 3 1 का, और ये सिग्मास का बिल्कुल ख्याल रखना है, ज़रा से भी आपकी जो गलती है ना वो, मतलब यहाँ 3 की जगह भी 2 हो गया ना, तो आपकी कैंसिलेशन जो है वो नहीं होगी, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये सारे मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये इसके इक्वल आ गया, इसको हमने R² R 1 3 dot 2 के स्क्वायर जो है इसके इक्वल हम लोगों ने रख दिया, और ये हमारा जो है वो तीसरा भी प्रूफ हो गया है। और ये इम्पॉर्टेंट है, और कर लें, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस तरह की ही छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी घुमा फिरा के वो पेपर में आ जाती हैं, तो फिर ना अगर डिटेल में पढ़ा हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और अगर डिटेल में पढ़ा हुआ ना हो, यानी इस तरह की चीज़ें आपने ना की हुई हों, तो वो उस तरह से माइंड खुला भी नहीं होता, प्रैक्टिस भी नहीं सही से होती, और फिर पता नहीं लगता कि कहाँ से चीज़ें उठ के आ गई और कैसे होंगी और कितनी मुश्किल है ये, हालांकि होती इतनी छोटी छोटी सी आसान सी चीज़ें हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ कहीं ना कहीं पेपर्स में ये आए हुए हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट भी नहीं है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो होपफुली समझ आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।